प्रदेश कांग्रेस महासचिव लाहौल स्पीति विधानसभा चुनाव क्षेत्र के पार्टी प्रभारी महेश्वर चौहान ने सरकार पर जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को भी कमजोर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यकाल में इस दुर्गम क्षेत्र का ना तो कोई दौरा किया और न ही इस क्षेत्र की समस्याओं को देखा है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए महेश्वर चौहान ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव की आहट के साथ ही कुंभकर्णी नींद में सोई जयराम सरकार भी जागी है और अब चुनावी घोषणाओं में जुट गई है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए दर्दनाक हादसे में कई जानें गई और करोड़ों का नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, सड़कें और पुल ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को राहत देने में नाकाम रही है, जबकि मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री उपचुनाव के प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की दोहरी नीति का शिकार लाहौल स्पीति की पंचायती राज की संस्थाएं हुई हैं और अब निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के स्थान पर सरकारी कर्मचारियों को शक्तियां देकर लोकतंत्र को अपमानित किया जा रहा है। महेश्वर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस जनजातीय क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों की बहाली के लिए वचनबद्ध है और हर कीमत पर इसकी बहाली करवाई जाएगी। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल में राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर मांग की है कि इस जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। जो इशू है वो लाहौल स्पीति के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में प्रदेश व्यापी ये मुद्दे हैं दोनों ही। एक तो जो पहले भी हमने आपके दरबार में उठाया था, जनता के अदालत में भी उठाया था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरी नीति जनजातीय क्षेत्र के प्रति अपना रही है कि आप चाहते हैं कि मंडी पार्लियामेंट का चुनाव भी हो और विधानसभा के उपचुनाव भी हो, लेकिन उसके साथ जो संस्थागत ढांचा लाहौल स्पीति के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का था उसको आपने अबॉलिश कर दिया। और सुनियोजित षड्यंत्र ये था कि वहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो टीचर्स और उनको चार्ज देकर पर्दे के पीछे से पूरे पंचायती राज संस्थाओं को खुद संचालित करना चाहते हैं, तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। और हमने इलेक्शन कमीशन को भी मेमोरेंडम दिया है कि ये गलत चीज़ है और इसको जो है तुरंत समाप्त किया जाए और वहाँ पर चुनाव कराए जाए। जब पार्लियामेंट का चुनाव हो सकता है तो पंचायतों का भी चुनाव हो सकता है और हमारी इलेक्शन कमीशन से ये बात हुई है और हम हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। अगर जो है वहाँ से उचित वो हमको नहीं मिलती है तो निश्चित रूप में हम इसको लेकर न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी हर हाल में लाहौल स्पीति का जो पंचायती राज का ढांचा है वो सुदृढ़ रहे और जीवित रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। और दूसरा जो बड़ा चर्चित मामला है वो जो हमारे पूर्व विधायक हैं रवि ठाकुर जी, जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो है वहाँ के विधायक के खिलाफ की हुई है, और बड़े हैरानी की बात है कि जो मंत्री डेली सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन में शामिल होते हैं, डेली जीते जाते हैं, डेली उद्घाटन कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन उनके पास न्यायालय में जाकर पिटीशन के मामले में न्यायालय में जाकर गवाही देने के लिए वक्त नहीं है। तो ये पहली बार हुआ होगा इतिहास में कि किसी कैबिनेट के मंत्री को कई महीनों तक जो है सर्विस में हो समन की। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का अपमान वो न्यायिक प्रणाली का कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उनके मंत्री किस तरह की उनके मन में आदर है न्यायिक प्रणाली के लिए, हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था के प्रति। तो आज पहली दफा हुआ होगा कि किसी सिटिंग मिनिस्टर को दस्ती समन तामील हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, तो क्या सरकार को इसका बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? आज जब 12-13 लोग इस मामले में गवाही दे चुके हैं माननीय उच्च न्यायालय के अंदर, तो सिर्फ अब न्याय और व्यवस्था और प्रणाली, न्यायिक प्रणाली और न्याय के बीच में एक ही कड़ी है, वो है माननीय मंत्री जी। तो क्यों वो न्याय के बीच में बाधक बने हुए हैं? क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी निभाते? क्यों नहीं एक जिम्मेदार शहरी की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जो आपका रुतबा है उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं बिहेव कर रहे? क्यों नहीं आप जाके गवाही देते और रोज रोज कांग्रेस को सलाह देने से बेहतर है? कल भी उन्होंने बड़े धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जो है कांग्रेस पंचायती राज के जो चुनाव अभी होने थे 24 जून को, वो सारी पावर्स लेके इन्होंने अपने जो टीचर्स और एम्प्लॉयज हैं उनको बांट दिया और स्थगित कर दिया ये बोल के कि कोरोना है। कोरोना तो काल में तो ये हमारे बंगाल में भी चुनाव हुए हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह हुए, और अभी मंडल पार्लियामेंट्री का भी चुनाव घोषणा कर दी गई है। मगर हमारे पंचायत राज के जो चुनाव हैं उसे करने की वजह मैं समझता हूँ ये मिल
जुल के ये अपने हाथ से पैसों का वितरण करना चाहते हैं, जो पावर्स हमारे